उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से पुलिस स्टेट बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश को, हम उसके खिलाफ हैं। हर आदमी को उत्पीड़न हो रहा है, अधिवक्ता समाज जो सबसे ज़्यादा प्रबल है और सबल है, तब उसके साथ ये ज्यादती हो रही तो बकियों के साथ क्या होगा। एटा में राजेंद्र शर्मा जो कि सरकारी वकील थे, 200 साल से सरकारी वकील थे, उनका एक बाहुबली के इशारे पे लोकल प्रशासन ने जिस तरीके से उनके मकान पे कब्जा कराया है, और एक वकील को जो कि यूनिफॉर्म में थे उनका दरवाज़ा तोड़ के घसीटा गया है। ये उनको नहीं घसीटा गया है, हर अधिवक्ता का सम्मान घसीटा गया है, हमारी गैरत घसीटा गया है, और उनको जानवर के तरीके से मारा गया जैसे वो किसी टेररिस्ट को मार रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन या सरकार अपने नागरिकों के साथ एक आतंकवादियों की तरह से व्यवहार करेगी? हम उसके खिलाफ है, और ये लड़ाई जो हमारी अभी आगाज है, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती उन दोषियों को, उसमें सिपाही रहा हो, कांस्टेबल रहा हो, दरोगा रहा हो, या वो कप्तान वहाँ का जिसने अभी तक उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं। जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, उनको दंड नहीं दिया जाता है, हमारे पीड़ित अधिवक्ता को जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता है, ये हमारी लड़ाई अभी आगाज है, ये जारी रहेगी, ये अंतिम नहीं है, शुरुआत है ये, और इसका हम लोग बदला लेंगे। हम कह रहे हैं इसका हम लोग बदला लेंगे, मुआवजा नहीं लेंगे, बदला लेंगे।